बेटा सभी ऑनलाइन आ जाएं, फिर शुरू करते हैं। और गुड इवनिंग सभी बच्चों को। बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो लास्ट क्लास में पूछ लेना बेटा। आवाज़ मेरी सही आ रही है? आवाज़ मेरी सही आ रही है बेटा? शीतल जी, लास्ट क्लास में कोई समस्या हुई हो पूछ लो बेटा। वृतान जी, लास्ट क्लास में कोई दिक्कत हो कमेंट्स में बताएं बेटा। किसी बच्चे कोई समस्या हो बताओ, फिर आगे शुरू करते हैं। किसी बच्चे कोई दिक्कत हो? वृतान जी, कोई भी दिक्कत हुई हो? चलिए वृतान जी को कोई दिक्कत नहीं है, शीतल जी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो बेटा ये इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्या है बेटा जरा समझते हैं, एक मिनट मैं जरा सोच चला दूं। हाँ तो बेटा समझते हैं क्या है। और ही बेटा सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं धीरे धीरे, बस एक मिनट में शुरू करते हैं। और बेटा आप दोनों का होमवर्क नहीं आया है मेरे पास, शीतल जी और ना ही वृतान जी का, और बच्चों के आ रहे हैं। सही बच्चे बेटा होमवर्क करें, ऐसे कैसे काम बनेगा। चलो तो बेटा फिर शुरू करते हैं धीरे धीरे, बहुत ही इजी है। तो बेटा बोल क्या रहा है इसे जरा समझते हैं। आप बेटा हमारे पास तीन किताबें हैं, तीन सेट्स हैं किताबों के। पहला क्या है, इंग्लिश का है। इंग्लिश की जो किताबें हैं वो सिक्स किताबें हैं आपके पास। मैथमेटिक्स की जो है बेटा वो हमारे पास नाइन बुक्स हैं। और जो साइंस है उसकी हमारे पास बेटा 12 बुक्स हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? शाबाश मैडम, बहुत बढ़िया। तो देखो इंग्लिश की किताबें कितनी हैं, सिक्स हैं। मैथमेटिक्स की बेटा नाइन है। और जो साइंस है उसकी बेटा 12 बुक्स हैं। ठीक है, अब बेटा ये क्या ये चाहते हैं जो है बुक वाले, कि उनके ग्रुप बनाना चाहते हैं। ठीक है, इन किताबों के क्या बनाना चाहते हैं, ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, इन सच ए वे दैट द बुक्स स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज। तो ये बोलना चाह रहे हैं जो एक ग्रुप होगा उसमें एक ही सब्जेक्ट की किताबें होंगी। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जो ग्रुप होगा किताबों का उसमें एक ग्रुप में एक ही सब्जेक्ट की किताबें होंगी। और जो हर ग्रुप की जो हाइट होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। ये दो कंडीशन उन्होंने दी है। पहली कंडीशन क्या दी है उन्होंने, कि जो बुक्स होंगी एक ही सब्जेक्ट ग्रुप में वो एक ही सब्जेक्ट की होंगी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये बोलना चाह रहे हैं जो ग्रुप्स की हाइट है यानी नंबर ऑफ बुक्स हैं किताब ग्रुप के अंदर वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, नंबर जो है बुक्स के वो सेम होने चाहिए। तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहे हैं कि बताएं कृपा करके कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक यानी एक ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किताबें आ सकती हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको ये बताना है। और दूसरा पॉइंट बेटा ये बताना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने होंगे यानी टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी। आपको बेटा समझ में आ गया? तो बेटा आंसर बताओ मुझे क्या हो सकता है, जरा मैं समझा देता हूँ एक बार। और पहला क्या है कि हमारे पास तीन सेट हैं बुक्स के, इंग्लिश की 6 बुक हैं हमारे पास, मैथ्स की बेटा 9 बुक्स हैं, और जो साइंस है उसकी बेटा कितनी है, 12 बुक्स हैं। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब जो बुक वाले हैं वो उनके इन बुक्स को क्या करना चाहते हैं, स्टैक करना चाहते हैं यानी ग्रुप बनाना चाहते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने एक कंडीशन दे दी है कि जो ग्रुप होगा एक उसमें एक ही सब्जेक्ट की किताबें होंगी। ठीक है, और सेकेंड ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हाइट है ग्रुप की वो बराबर होनी चाहिए यानी किताब के अंदर जो है नंबर ऑफ बुक्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम बुक नंबर ऑफ बुक्स बतानी है आपको एक ग्रुप के अंदर, कि एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किताबें आ सकती हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि बेटा कितने स्टैक्स बन सकते हैं, कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। तो बेटा इस तरीके से है, मैंने इसे बनाने की कोशिश करी है। शाबाश, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक इज 3। बहुत बढ़िया शीतल जी ने बिल्कुल बता दिया।
रतान जी बताएं कोई भी समस्या हो तो। बिल्कुल बढ़िया है, तो यहाँ पे मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश की बेटा हमारे पास कितनी है, 6 किताबें हैं, ठीक है। तो बेटा 6 किताबों के ग्रुप बनाना चाहता है, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं तीन तीन किताबें हैं इंग्लिश की एक ग्रुप में, ठीक है। इस तरीके से 2 ग्रुप बन गए इंग्लिश के। जो मैथ्स की किताब कितनी है, 9 है। तो बेटा मैंने यहाँ पे तीन तीन का ही ग्रुप बना दिया है, 3 ग्रुप बन गए मैथ्स के। और ये जो है हमारे पास साइंस की किताब कितनी है, 12 है। तो बेटा इसके ग्रुप कितने बन गए, 4 बन गए। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, शाबाश। तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा लॉजिक बेस समझा देता हूँ कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश के ग्रुप कितने बन सकते हैं, आप एक किताब का एक ग्रुप भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे उसके फैक्टर्स लिखे हैं। एक किताब के बेटा एक ग्रुप में 2 किताबें भी हो सकती हैं, 3 किताबें भी हो सकती हैं, और 6 किताबें भी हो सकती हैं। बहुत ही बढ़िया, बच्चे एकदम आंसर बता रहे हैं। ऐसी मैथ्स है, मैथ्स की भी बेटा ग्रुप क्या हो सकते हैं, 1 का 3 का या 9 किताबों का ग्रुप बना सकते हैं आप मैथमेटिक्स का। साइंस का बेटा है 12 के फैक्टर कर दिए मैंने, तो 1, 2, 3, 4 किसी का भी आप ग्रुप बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट बेटा ये था कि जो ग्रुप की हाइट होगी वो बराबर होगी, ठीक है। तो बेटा ग्रुप की हाइट हमारी किस में बराबर बन रही है, सिर्फ यहाँ पे बन रही है बेटा, 3 में 3 में और 3 में। तो बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स होंगी बेटा एक ग्रुप में वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। बहुत बढ़िया है। आगे सेकंड आंसर बेटा सब बताएं मुझे कि टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने होंगे एक ग्रुप के अंदर, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स बताएं कितने होंगे, जो टोटल स्टैक्स बनेंगे ग्रुप्स बुक्स के वो कितने बनेंगे, आराम से बताओ कि टोटल स्टैक्स कितने बनने चाहिए। हमने ये तो देख लिया कि हाँ बिल्कुल सही है कि मैक्सिमम बुक जो आ रही हैं वो हर ग्रुप में 3-3 आ रही हैं। टोटल स्टैक्स बताओ कितने बनने चाहिए। मैंग जी समझ में आ रहा है, कोई भी समस्या हो पूछ लेना बेटा, और सभी बच्चे धीरे धीरे जुड़ जाएं। तो बेटा इंग्लिश के स्टैक कितने बनेंगे, जनरल सी बात है 3 किताबें आ रही हैं इंग्लिश की एक ग्रुप में, 6 किताब टोटल है बेटा ये रहा। तो स्टैक कितने बनेंगे, 3 का डिवाइड कर दो तो 2 आ गया, शाबाश। तो बेटा 2 स्टैक बन रहे हैं किसके, इंग्लिश के। मैथमेटिक्स की बेटा 9 बुक्स हैं, एक बुक ग्रुप में 3 है, तो 9/3 कर देंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ गए। तो मैथ्स के 3 स्टैक बन रहे हैं, 1 स्टैक 2 स्टैक और 3 स्टैक। और साइंस जो है, साइंस का बेटा कितना है हमारे पास, 12 बुक्स हैं टोटल, और 3 का हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल स्टैक कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो 1, 2, 3, 4 बन रहे हैं, शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया है, बच्चे सब बता रहे हैं। तो बेटा अब मैं टोटल स्टैक कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल बेटा हमारा आंसर होगा 9 स्टैक्स बनेंगे। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि टोटल हमारे 9 स्टैक्स बनेंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स जो आएंगी एक ग्रुप में वो कितनी आएंगी बेटा, 3 आएंगी, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं, किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लेना कमेंट्स में। चलिए बेटा अब ये बताएं मुझे, क्वेश्चन सेम है बस नंबर चेंज कर दिया है मैंने, इस बार आप खुद बताना मुझे कि जो बेटा यहाँ पे बोल रहा है इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो कितनी हैं, 336 हैं। मैथमेटिक्स की बुक बेटा 240 हैं, और साइंस की बुक बेटा 96 हैं, ठीक है। इन्हें इस तरीके से स्टैक करना है, इनका ग्रुप बनाना है कि जो एक ग्रुप में बुक होंगी वो बेटा सब्जेक्ट वाइज होंगी, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बोल रहा है, यानी एक ग्रुप में एक ही टाइप की किताबें होंगी, और जो हर ग्रुप की जो हाइट होगी वो बराबर होगी, यानी सभी में बेटा एक ही जैसी बुक एक ही नंबर ऑफ बुक्स आएंगी, ठीक है, सेम नंबर ऑफ बुक्स आएंगी ये कह सकते हैं। तो बेटा आपको क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। सभी आंसर बताएं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी आएंगी बेटा, और आपको ये भी बताना है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, कितने स्टैक्स बनेंगे। सेम ही क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए दिया था क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यूज थी, ये थोड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी पेपर में, ठीक है। तो आराम से मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए, सभी बच्चे बताएं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से सभी बच्चे बताएं क्या आंसर आना चाहिए।
तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स होंगी ईच स्टैक में, वो हम सभी जानते हैं क्या होगा बेटा, SCF होगा। कल शॉर्टकट भी बताया था कि जब जहाँ भी मैक्सिमम पूछे तो आप बता देना SCF निकालना होता है। तो बेटा इनका SCF निकालो आराम से और मुझे बताओ क्या आना चाहिए आंसर। चलिए शाबाश, मैडम बता रही हैं 48 मैक्सिमम बुक होंगी, बहुत ही बढ़िया है। अब आप टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स और बता दें, और बच्चे बताएं। मैंग जी अब वीडियो सही चल रही है, कोई समस्या तो नहीं है? वो कभी कभार नेट में दिक्कत हो जाती है बेटा, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी भी परेशानी है। चलिए मैडम ने बताया 48 है, शाबाश, बच्चे पढ़ने लगे हैं। बेटा इस हफ्ते ही चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर मैं आपका टेस्ट भी लूँगा। शाबाश, रतान जी बता रहे हैं टोटल 14 है, आराम से सभी बच्चे बताएं। तो बेटा इनका जब SCF निकालोगे आप तो 16 × 3 आएगा और ये 48 आ गया। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं थी तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आराम से सभी बच्चे बताएं टोटल स्टैक्स कितने बनेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स आ गई, बहुत ही बढ़िया कि 48 बुक्स बने आएंगी एक ग्रुप के अंदर। अब स्टैक्स बताएं, स्टैक्स कितने आएंगे? तो पहले हम इंग्लिश के स्टैक्स निकालेंगे, तो 3 × 3 = 6 में 48 का डिवाइड कर देंगे। ऐसी मैथमेटिक्स के लिए 240 में 48 का डिवाइड करेंगे, और साइंस में 96 में किसका डिवाइड करेंगे बेटा? 48 का डिवाइड करेंगे। तो अलग अलग स्टैक्स आ जाएंगे, फिर बाद में आप उनको ऐड कर देना। शाबाश, इंग्लिश की मैडम बता रही हैं बहुत ही बढ़िया है, मैथ्स की मैडम ने बताया, और बच्चे ही बताएं, पूरे जोश में रहें। शाबाश, साइंस के स्टैक कितने होंगे? 3 × 3 = 6 / 48, तो आपके 7 स्टैक्स और इंग्लिश के आ जाएंगे, मेरी मिस्टेक। मैथमेटिक्स के कितने स्टैक्स होंगे बेटा, सभी बताएं? 240/48 कर देंगे तो मैथमेटिक्स के स्टैक्स आ जाएंगे। शीतल जी बताएं कितने स्टैक्स होने चाहिए? मैंग जी बताएं आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं, आराम से बताओ। शाबाश, 14 स्टैक बता रहे हैं। और साइंस के जो स्टैक होंगे बेटा, मैडम ने बताई दिया, वो कितने होंगे? 2 होंगे। बाद में इन सभी को ऐड कर देना। शाबाश, बच्चे एकदम सही बता रहे हैं। तो टोटल स्टैक्स कितने हो जाएंगे? 7 + 5 + 2 कर देंगे आप, तो टोटल 14 स्टैक्स हो जाएंगे। किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया है, बच्चों को समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बेटा बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, तो बड़े ध्यान से और स्टेप बाय स्टेप करना। अच्छा भैया आगे मुझे बताएं ये वाला, अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं वापस समझा दूंगा। तो बेटा इसमें क्या बोलना चाह रहा है वो, कि एक आर्मी कंटिंजेंट है, यानी जो सोल्जर्स का ग्रुप है जिसमें 15 मेंबर्स हैं, ठीक है, यानी जो सोल्जर्स हैं वो कितने हैं टोटल हमारे पास? 15 हैं। इसके बाद वो बोलना चाह रहे हैं कि ये जो सोल्जर्स हैं वो मार्च करेंगे, किसके पीछे मार्च करेंगे? बिहाइंड आर्मी बैंड, यानी जो आर्मी का बैंड है वो आगे चलेगा, उसके पीछे ये 15 सोल्जर्स जो हैं पीछे मार्च करेंगे। तो आर्मी के बैंड में कितने मेंबर्स हैं बेटा? 10 मेंबर हैं। एक कोई परेड है उसमें आर्मी का बैंड है, वो 10 मेंबर हैं आर्मी के बैंड, वो आगे चलेंगे। उनके पीछे कौन चलेंगे? जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं, जो कि 15 हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि जो दोनों ग्रुप्स हैं, कौन से, एक तो सोल्जर्स वाला और जो बैंड वाला है, आर मार्च्ड इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी इनका जो कॉलम होगा सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में ही मार्च करेंगे। आगे बोलना चाह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम आ गया यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। आपको ये बताना है कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स होंगे जिसमें ये मार्च करेंगे। आपको लॉजिक समझ में आ गया, मैक्सिमम। अब बेटा इसका अगर हम डायग्राम से समझें तो मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं वृतान जी, गलत लिख गए, कोई समस्या नहीं है।
शाबाश मैडम का आंसर भी आ गया, कोई समस्या नहीं वृतांत जी। देखो डायग्राम इस तरीके से बनेगा अगर सोचना चाहें तो बेटा। यहाँ पे बोलना बोलना क्या चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो बेटा आर्मी के मेंबर्स, सॉरी बैंड के मेंबर्स आएंगे, तो बैंड के मेंबर्स मैंने ये आपके येलो येलो बना दिए हैं। उसके पीछे बेटा आपके क्या आएंगे, ये आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो आएंगे। और वो बोलना चाह रहे थे ये कॉलम्स होते हैं बेटा जो स्ट्रेट होते हैं नीचे की तरफ जाते हैं, ये कॉलम्स हैं। तो ये बोलना चाह रहे थे कि जो बैंड के कॉलम्स होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सोल्जर्स के कॉलम होंगे नंबर, वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, सभी को लॉजिक समझ में आ रहा है कि जो कॉलम्स बन रहे हैं सभी के बराबर होंगे। शाबाश मैंग जी ने बता दिया। तो जो आर्मी के बैंड है बेटा वो कॉलम कितने बना सकते हैं, 1B, 2B, 5B और 10B। तो बेटा मैंने यहाँ 5 कॉलम बनाए हैं आर्मी के बैंड के, तो आपको समझाने के लिए ये 5 कॉलम बन रहे हैं जिसमें आर्मी के जो बैंड है वो मार्च कर रहा है, यानी ये जो येलो येलो है ये 5 कॉलम्स में मार्च कर रहे हैं। ऐसी जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वो भी किस में मार्च कर सकते हैं, जो 15 के फैक्टर्स होंगे, 1, 3, 5 और 15। अब क्वेश्चन में यही बोल दिया गया है कि जो मैडम ने बता भी दिया कि जो कॉलम्स होंगे वो सेम होंगे, तो बेटा कॉलम्स सेम किस में आ रहे हैं बेटा, 5 5 आ रहे हैं। तो जनरल सी बात है जो कॉलम्स होंगे वो कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। और यहाँ पे बोला भी है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करी है, किसी बच्चे कोई समस्या नहीं है, जहाँ भी मैक्सिमम पूछ रहा हो आंख बंद करके SCF निकाल देना। ठीक है, और ये देख लेना जरूर कि बट जो हमारा आंसर आएगा वो नंबरों से छोटा आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, किसी बच्चे कोई दिक्कत हो कमेंट्स में मुझे बताओ, किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो पूछ लेना बेटा। चलिए बेटा सबका आ गया लगभग सब, बहुत ही बढ़िया है। तो हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और ये वाला 5। ठीक है, शाबाश। अच्छा अगला बेटा आप मुझे बताना, ये क्वेश्चन है सेम ही क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है बस। आर्मी का जो ग्रुप है कंटिंजेंट जो है उसमें कितने मेंबर्स हैं, 612 मेंबर्स हैं। ठीक है, और इन्हें किसके पीछे मार्च करना है बेटा, ये जो बैंड के मेंबर्स हैं वो 48 मेंबर्स हैं बेटा परेड में। और इन्हें किस तरीके से मार्च करना है कि इनका जो नंबर ऑफ कॉलम्स हो वो सेम हो। आपको बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं कितने होने चाहिए जिसमें ये मार्च कर सकें। आराम से सभी बच्चे बताएं आंसर क्या होना चाहिए, बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं। आराम से बताएं, और मैंग जी आपका भी होमवर्क नहीं आया था इस बार का, कृपया करके होमवर्क जमा करो वरना पापा से बात करूंगा मैं आपके, कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, टॉप नहीं करेगा हमारा हीरो, ऐसे काम ना करें। और वृतान जी आप भी, वरना मम्मी से बात करता हूँ मैं। शाबाश मैडम 12 बता रही हैं, और बच्चे ही बताएं। और जिसके पास NCERT नहीं है वो NCERT की साइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं NCERT। ठीक है, तो NCERT की साइट पर जाना, वहाँ पे आप आराम से क्लास 10th की बुक डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैंग जी 4 बता रहे हैं, मैडम 12 बता रही हैं, शाबाश, और बच्चे ही बताएं। तो बेटा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे हम सभी जानते हैं वो क्या होगा, SCF होगा, 612 का और 48 का। तो बेटा सभी देख लें क्या आंसर आना चाहिए बेटा इनका, SCF जब आप निकालोगे तो मेरे अंदाज से 12 आएगा बेटा, 4 नहीं आएगा, 12 आना चाहिए जो मैडम का आया था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बेटा कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। आराम से देखो बेटा कहाँ गलती कर रहे हो। कोई भी समस्या हो पूछ लो। मैंग जी क्लियर है, शीतल जी कोई दिक्कत हो पूछ लें, 4 नहीं 12 आना चाहिए।
क्योंकि बेटा इसमें देखो ये 3 से चला जाएगा, ठीक है, और ये भी 12 भी 3 से जाता है, इसे मैंने पता कैसे किया, इनकी डिजिट्स का ऐड कर लो, तो बेटा ऐड करके कितना आ रहा है ये 1 + 5 = 6, 6 + 3 = 9, ठीक है। तो जब डिजिट्स को ऐड करने पर नंबर जो होता है 3 का मल्टीपल आए, जैसे कि 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, तो वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है 3 से, ठीक है। तो डिजिट्स को ऐड करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे आ जाते हैं, चलते हैं। एक मिनट में इसे हटा देता हूँ मैं जरा सा। अच्छा बेटा, अब हमारा 8th टाइप शुरुआत हो रही है, जरा समझ लेते हैं। तो बेटा इस बार हम एलसीएम देखेंगे किसकी, वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो बेटा इसकी भी दो ट्रिक्स होती हैं, अगर क्वेश्चन में कहीं पे लीस्ट या मिनिमम पूछा जाए तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है। और देखो यहाँ भी एलसीएम में भी फुल फॉर्म में भी बेटा यही है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट यानी जहाँ भी लीस्ट पूछा जाए या मिनिमम पूछा जाए, ठीक है, कम से कम पूछा जाए, तो वहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो एलसीएम आपसे पूछ रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट बेटा, एलसीएम जो होता है वो हमेशा ज़्यादातर क्या होता है, नंबरों से बड़ा आता है, ठीक है। जब नंबरों से बड़ा आता है तो अगर आपको लगता है कि जो आपका आंसर है वो नंबरों से बड़ा आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में लीस्ट कहीं वर्ड पूछा जाए या मिनिमम पूछा जाए, आप समझ जाना एलसीएम की बात कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि बेटा जो आंसर है वो नंबरों से छोटा आना चाहिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है। आपको लॉजिक समझ में आ गया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बेटा कमेंट से बताओ यहाँ तक, फिर हम आगे चलते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो कमेंट से बताएं बेटा यहाँ तक। किसी बच्चे को दिक्कत हो कमेंट्स में बताओ। चलो तो बेटा फिर आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो। अच्छा बेटा, इसमें जरा समझते हैं क्या है ये। तो इसमें बोला है रवि और शिखा ड्राइव, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। रवि शिखा ड्राइव्स अराउंड ए सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है बेटा। हमारे पास एक रवि हैं और एक शिखा हैं, बहुत बढ़िया हैं। रवि और शिखा जो हैं वो सर्कुलर पाथ में भैया मूव कर रही हैं, ठीक। आगे बोलना चाह रहे हैं जो रवि है वो क्या है, उन्हें 6 मिनट लगता है बेटा एक राउंड को कवर करने में, यानी जो रवि हैं 6 मिनट में एक चक्कर लगा लेते हैं पूरा सर्कुलर। और जो शिखा हैं वो बेटा 10 मिनट में एक चक्कर लगाती हैं पूरे राउंड का। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, रवि जो है सर्कुलर पाथ में 6 मिनट में मूव कर जाते हैं पूरा, एक चक्कर लगा लेते हैं। शिखा जो है शाबाश 10 मिनट में चक्कर लगा लेती हैं। अगर वो एक ही समय स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इफ बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट्स चक्कर लगाना शुरू करते हैं और सेम टाइम, यानी सेम पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और सेम ही टाइम से शुरू कर रहे हैं और सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बोलना चाह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने समय बाद वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, यानी रवि और शिखा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलो सपोज करते हैं यहाँ से मूव करना शुरू किया, दोनों ही सेम ही टाइम में, ठीक है, और सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो आपका है रवि है वो 6 मिनट में चक्कर लगाता है, शिखा जो है 10 मिनट में पूरा चक्कर लगा देती हैं, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि कितने समय में ये दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे, ठीक है। अब जरा सा इसका लॉजिक समझते हैं। वैसे तो ये एलसीएम पूछ रहा है हमसे, नॉर्मल बात है, क्योंकि जो आंसर आएगा वो इन नंबरों से बड़ा आना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका लॉजिक आना चाहिए। मेन चीज़ लॉजिक कैसे समझेंगे आप, तो देखो बेटा अभी समझाता हूँ मैं आपको। अच्छा बेटा देखो इसमें क्या है, जो रवि है वो पहले राउंड में तो बेटा 6 मिनट में वो कवर कर जाएंगे, ठीक है। दूसरा राउंड उन्हें कवर करते करते स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते 12 मिनट लगेंगे। तीसरे राउंड पे वो 18 मिनट पे कवर हो जाएगा टोटल। चौथे राउंड पे बेटा वो 24 मिनट लग जाएंगे उन्हें, और पांचवें राउंड पे बेटा उन्हें 30 मिनट लगेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हर 6-6 मिनट में कवर कर रहे हैं वो। पहले राउंड 6 मिनट, दूसरा राउंड टोटल 12 मिनट हो जाएगा उन्हें, तीसरा राउंड उन्हें टोटल 18 मिनट हो जाएगा तीन राउंड का एक साथ, चौथे राउंड पे उन्हें 24 मिनट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैंने 6 के मल्टीपल लिखे हैं, क्योंकि रवि जो है 6 मिनट में कर रहे हैं,
तो सिक्स के क्या हैं बेटा, यहाँ मल्टीपल हैं। इसी तरीके से बेटा जो हमारी शिखाएं, एक मिनट, शिखा जो है वो पहला राउंड 10 मिनट में कवर करेंगी, सेकंड राउंड बेटा उन्हें 20 मिनट लगेंगे, थर्ड राउंड में बेटा उन्हें 30 मिनट लगेंगे। हाँ मेरी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चौथी बेटा 40 मिनट लगेंगे, आपको समझ आ रहा होगा। पाँचवें राउंड तक उन्हें 50 मिनट लगेंगे। अब देखो बेटा कहाँ पे वो मिल रहे हैं, आप ज़रा चेक करो, तो बेटा वो यहाँ पर मिल रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा इस पर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है वो। यानी रवि जो है 30 मिनट बाद शिखा से मिलेगा, आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। लेकिन रवि का वो कौन सा चक्कर होगा, पांचवा चक्कर होगा, और शिखा का कौन सा चक्कर होगा बेटा, वो तीसरा चक्कर होगा। लॉजिक समझ में आ गया आपको कि इनमें कॉमन कौन सा आ रहा है, तो कॉमन कौन सा आ रहा है बेटा, 30 कॉमन आ रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। यानी दोनों ही 30 मिनट बाद आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे, क्योंकि वो 10 से मैडम 20 मिनट लगाएंगे सीधे, 20 से वो 30 मिनट लगाएंगे, 30 से 40 मिनट, फिर 50 मिनट। लॉजिक समझना, ऐसे यहाँ पे पहले 6 मिनट में चक्कर हो जाएगा, फिर दूसरा मिनट, दूसरा चक्कर 6 और जोड़ दो तो 12 हो गया, फिर 6 और जोड़ दो 18 हो गया, इस तरीके से लॉजिक बनता चला जा रहा है। तो जनरल सी बात है, उन्होंने कहा है कि वो कितने समय बाद दोनों एक साथ मिलेंगे, तो जनरल सी बात है 30 मिनट पे वो दोनों एक साथ मिलेंगे। रवि का कौन सा चक्कर होगा, वो पांचवा चक्कर होगा बेटा, और जो शिखा है, शिखा का कौन सा चक्कर हो जाएगा, वो तीसरा चक्कर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया है बेटा, कोई भी समस्या हो कमेंट्स में पूछ लो। अगला क्वेश्चन आप करना। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे कॉमन छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है बेटा, हमारा 30 है, कोई समस्या नहीं है। अगर पूछा जाता है कि 30 मिनट बाद दोबारा कब मिलेंगे, तो बेटा 30 मिनट बाद दोबारा कब मिलेंगे, तो जनरल सी बात है, तो यहाँ पे आते हैं हम, दोबारा कब मिल रहे हैं, तो बेटा दोबारा वो मिल रहे हैं 60 पर, आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोबारा से 30 मिनट बाद अगर वो दोबारा कब मिलेंगे, तो बेटा वो 60 मिनट बाद मिलेंगे वो, आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बेटा हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन आप मुझे बताना। तो बेसिकली हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाल लिया, लॉजिक समझें बस। अच्छा बेटा चलो क्वेश्चन करो इस वाले को, मुझे आंसर बताओ क्या आंसर आएगा। इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है बेटा, रवि है और शिखा है, रवि जो है 16 मिनट में चक्कर लगा रहे हैं, और जो शिखा है 20 मिनट में चक्कर लगा रही हैं। दोनों ही सेम पॉइंट से शुरुआत करते हैं, सेम टाइम से शुरुआत करते हैं, और सेम ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो कितने समय बाद दोनों उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, तो आराम से मुझे आंसर बताओ क्या होना चाहिए। चलिए मैडम 40 मिनट बता रहे हैं, और बच्चे बताएं बेटा। मैडम लॉजिक समझ में आ गया है ना आपको, चलिए मैडम 80 बता रही हैं, चलो और बच्चे बताएं। मैंग जी सॉरी 80 बता रहे हैं, और बच्चे बताएं क्या आंसर आना चाहिए। अच्छा तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स कितना होगा, एलसीएम ऑफ 16 और 20 हो जाएगा। शाबाश, चलिए बेटा 80 मिनट्स बाद वो दोबारा से मिल जाएंगे, ठीक है। 80 मिनट्स बाद लिख दो, या 1 आवर 20 मिनट्स बाद मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया, सभी का आ रहा है। शीतल जी कोई समस्या हो बेटा पूछ लेना, ठीक है, कोई समस्या किसी बच्चे को हो बेटा पूछ लेना, आगे चलते हैं अगर कोई समस्या नहीं है तो। चलो बेटा करो, इस बार सेम ही लॉजिक लगाना, ऊपर वाला ही लॉजिक है पहला वाला। तो इस बार क्या है, हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो बीप करता है, आवाज़ निकालता है एवरी 60 सेकेंड में, यानी 60 सेकेंड में एक बार वो बीप करता है, और दूसरा जो डिवाइस है वो 62 सेकेंड में बीप करता है, ठीक है। आगे बोलना चाह रहा है, दे
बीप टुगेदर, यानी उन्होंने एक साथ बजना कब शुरू किया, 10 बजे बजना शुरू किया। आगे ये बोलना चाह रहे हैं, एट वाट टाइम दे विल बीप टुगेदर एट द अर्लीएस्ट, यानी अब दोबारा वो कब एक साथ बीप करेंगे। यानी वही ऊपर वाला ही लॉजिक है कि शिखा और वो एक साथ कब मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी यही बोलना चाह रहे हैं वो कि दोनों ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं, डिवाइस हैं, वो कब एक साथ बीप करेंगे। तो बेटा फटाफट बताओ, जनरल सी बात है, वो क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, लॉजिक है। वही पहले जैसे ही क्वेश्चन है, जो शिखा और राजेश जो थे, रवि सॉरी, वो कब एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ भी वही सेम है कि दो डिवाइस कब एक साथ दोबारा बीप करेंगे, तो सेम ही है लॉजिक। आंसर बताएं क्या बनना चाहिए। हाँ अरे वाह, शाबाश, 1860। बेटा वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन बेटा टाइम बताओ ना मुझे, वो 10 बजे शुरुआत हुई थी तो दोबारा से कब कितना समय बनेगा, वो जो आपका एलसीएम आ रहा है उसे कन्वर्ट कर दो टाइम में। शाबाश मैडम का भी गया, जो आपके सेकंड्स आ रहे हैं उन्हें मिनट्स में कन्वर्ट करो और फिर इसमें जोड़ देना कि तो 10 10 बजे कितने बाद मिलेंगे, 10 के बाद कितने टाइम लगेगा उन्हें। तो बेटा इंटरवल जब कब दोनों एक साथ बीप करेंगे, तो 60 और 20 62 का जब एलसीएम आएगा तब हमें पता चल जाएगा कितना समय लगेगा। मैंग जी बताएं कितना आंसर है, शीतल जी क्या हुआ, शाबाश, उसे बेटा सेकंड्स उसमें कन्वर्ट करो मिनट में, क्योंकि हमें तो टाइम बताना है ना कितने समय बाद मिलेंगे। तो 10 बजे एक साथ शुरुआत हुई थी उनकी, तो कितना एक्स्ट्रा समय लगेगा ये बताओ। वो तो एलसीएम बिल्कुल ठीक आ रहा है, अब इसको आप उसमें मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो बेटा एलसीएम आपका बिल्कुल सही आया होगा, 1860 सेकंड्स बाद वो एक साथ जो है मिलेंगे। अब इसमें कृपा करके, शाबाश वृतान जी का आ रहा है धीरे धीरे। आगे और बच्चे बताएं धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बेटा यहाँ पे मैंने 60 का डिवाइड कर दिया है मिनट बनाने के लिए सेकंड्स में, तो बेटा कितना आ जाएगा, 31 मिनट्स आ गया। तो बेटा एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा उन्हें मिलने में दोबारा से, यानी 31 मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो बेटा वो दोबारा कब बीप करेंगे एक साथ, 10:31 पर, ठीक है, AM। शाबाश बढ़िया है सर जी, उसे सर जी 1862 नहीं है, 1860 है। शीतल जी बताएं कहाँ दिक्कत हुई, और बच्चे बताएं। चलिए शाबाश मैडम ने बताया, और बच्चे बताएं। चलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आगे चलते हैं बेटा। चलिए आगे बेटा हमारा क्या है, ये सेम ही क्वेश्चन है, लॉजिक सेम है बेटा, कि ट्रैफिक लाइट्स हैं एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स भैया, ठीक है, यानी 3 लाइट हैं बेसिकली। और बेटा वो कब चेंज होती हैं, एक तो 48 सेकंड में चेंज होती हैं, एक 72 सेकंड में चेंज होती है, और थर्ड वाली जो है 108 सेकंड में चेंज होती है। और वो सभी एक साथ जब 8 बजे चेंज होती हैं, ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कब वो दोबारा से एक साथ चेंज होंगी, ठीक है। तो जनरल सी बात है, कब तीनों एक साथ दोबारा से मिलेंगे, यानी शिखा और रवि कब एक साथ दोबारा से मिलेंगे। तो लॉजिक वही है ये आपका, एलसीएम आपको बताना है। तो बताएं बेटा क्या आंसर होगा इसका, ये 3 लाइटें एक 48 सेकंड में बस टर्न होती है, एक तरीके से चेंज होती है, एक 72 सेकंड में चेंज होती है, और थर्ड वाली जो है 108 सेकंड में चेंज होती है, ठीक है। वो सभी एक साथ 8 बजे चेंज होती हैं, तो दोबारा से सभी एक साथ कब चेंज होंगी, कब एक साथ मिलेंगी। तो लॉजिक वही चल रहा है, आप देख रहे होंगे सेम ही चीज नजर आ रही है।
आराम से सभी बच्चे बताएं क्या आंसर आएगा। और इस हफ्ते आपका जो है ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। और भगवान ने चाहा तो 20-25 तारीख से ऑफलाइन बैच शुरू कर देंगे। शाबाश वृतान जी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। जो जो एलसीएम जब वो कब वो मिलेंगे एक साथ, जब इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा तब वो एक साथ मिलेंगी। तो आराम से बच्चे बताएं बेटा, उसे मिनट्स और सेकंड में कर दो। मैंने यहाँ पे इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दिया है, आप जैसे चाहे कर लें। 48 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 × 3, यानी 2 की पावर 4 16 होता है, 16 × 3 = 48 हो गया। 72 का मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। शाबाश मैडम बता रही हैं, बिल्कुल सही है। 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 यानी 8 × 9 72 हो गया। ऐसे ही यहाँ मैंने 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, उसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3, ठीक है। तो जो एलसीएम हो जाएगा वो 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3 हो जाएगा। मैं जरा इसे हटा देता हूँ। तो बेटा वो 432 सेकेंड्स बाद दोबारा एक साथ बीप करेंगे। इसके बाद बेटा हमें इसमें क्या बनाना था, बेसिकली सेकेंड मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो बेटा मैंने 60 का डिवाइड कर दिया है 432 में, तो बेटा 7 बार तो जा रहा है जाएगा, तो ये 7 तो हमारे बेटा मिनट्स हो गए, ठीक है। और एंड में कितना रिमाइंडर बच रहा है बेटा, 12 बच रहा है। तो बेटा ये हमारा सेकेंड्स में ही रिमाइंडर बच रहा है, तो ये हमारे सेकेंड हो गए, ठीक है। तो बेटा दोबारा से कब वो एक साथ बजेंगी, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद दोबारा से एक साथ बीप करेंगी। इससे कोई समस्या वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। तो बेटा टाइम कब होगा, 8 बजे तो वो एक साथ ही बज रही थी, तो 8:07 12 सेकंड बाद, 8:07 12 सेकंड बाद वो दोबारा से एक साथ चेंज होंगी लाइटें। आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, याद रखना जो रिमाइंडर में बच जाता है सेकंड्स में वो सेकंड रह गया, जो पूरा डिवाइड हो गया 60 से वो मिनट हो जाता है, ठीक है। लॉजिक क्लियर होना चाहिए। आराम से सभी बच्चे बताएं बेटे, यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछ लो। वृतान जी बताएं कोई दिक्कत, शीतल जी बताएं, मैंग जी बताएं, फिर आगे चलते हैं। किसी बच्चे कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लो यहाँ तक। अच्छा बेटा, तो बेटा आगे चलते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट्स में पूछ लेना। चलो बेटा ये भी इसी जैसा क्वेश्चन है, करके बताओ इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रैफिक लाइट्स हैं एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स पर हैं। पहली लाइट 30 सेकंड में चलती है, हाँ मैडम क्या प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम बताएं मुझे, थोड़ा सा बताएं क्या दिक्कत आ रही है ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। अच्छा मैम ये 7 मिनट 2 सेकंड आ रहा है, चलिए मैम एक बार बैक कर देता हूं मैं, लाइए एक मिनट बस जरा सा बैक कर देता हूं मैं। हाँ मैडम ये 2 सेकंड आ रहा है ये आपका, 2 सेकंड कैसे आएगा मुझे ये बताएं आप। एलसीएम आपका क्या आ रहा है मैडम, एलसीएम आपका यही आ रहा है 432। अब जब 60 में डिवाइड कर दोगे इसको
तो 6 7 4 2 0 आ गया, तो ये 12 बचेगा, 2 ये बचा, 3 में से 2 काउंट कर दोगे तो 12 आ जाएगा, ये 1 बचेगा। चलिए सर जी, चलिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अच्छा तो बेटा सभी बताएं क्या है इसका आंसर। पहली लाइट हमारी 60 सेकंड में चेंज होती है, सेकंड लाइट जो है 72 सेकंड में चेंज होती है, और थर्ड लाइट जो है 432 सेकंड्स में चेंज होती है। इफ ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 9 AM, सभी 9 बजे एक साथ चेंज होंगी, तो बताइए कि दोबारा से वो सभी एक साथ कब चेंज होंगी। आराम से सभी बच्चे बताएं। मयंक जी आंसर बताएं, कहाँ खो गए? शीतल जी आंसर बताइए। सभी बच्चे बताएं, 2 मिनट का टाइम है कि आंसर आना चाहिए। शाबाश वेदांत जी आ रहे हैं। सर जी टाइम बताएं, शाबाश, मुझे एग्जैक्ट टाइम कब मिलेगा, कब वो एक साथ चेंज होंगी। आराम से सभी बच्चे बताओ, शाबाश, 36 मिनट बाद मैडम बता रही हैं, बहुत बढ़िया। तो बेटा इंटरवल कितना होगा उनका, कब चेंज होंगे एक साथ, जब उनका एलसीएम आ जाएगा। तो 30 72 और 4 32 का आप एलसीएम निकाल दो। तो बेटा 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5। 72 के बेटा यहाँ मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। शाबाश, चलिए, दो बच्चे बता रहे हैं। और यहाँ पर मैंने 342 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3 × 5। ठीक है, अब बेटा इसे आप सॉल्व कर दोगे तो 2160 सेकेंड्स आ जाएगा, जो बच्चों का आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद बेटा आप इसे डिवाइड कर देना 60 से मिनट बनाने के लिए, तो पूरा 36 बार जाएगा, तो 36 मिनट्स हो गए, कुछ बचा नहीं, तो सेकंड हमारे कितने हो गए, 0 हो गए। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो बेटा टोटल 36 मिनट लगेंगे जब वो एक साथ बीप करेंगे, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया बेटा, 9:36 बाद वो हमारी घड़ी, सॉरी लाइट जो है एक साथ चेंज होंगी। बेटा किसी बच्चे को कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, किसी भी बच्चे को दिक्कत हो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा बेटा इसको बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। इन ए स्कूल देयर आर टू सेक्शंस, बेटा एक स्कूल में दो सेक्शन है, ए और बी, ऑफ क्लास एक्स, चलिए को क्लास टेंथ है, ठीक है, क्लास टेंथ के दो सेक्शन है ए और बी। देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है उसमें 6 स्टूडेंट है टोटल, और जो सेक्शन बी है उसमें बेटा कितने स्टूडेंट हैं, 8 स्टूडेंट हैं। आपको बताना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, तो बेटा मिनिमम आ रहा है यहाँ पे देख रहे होगे आप, रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी, यानी कितनी कम से कम क्लास लाइब्रेरी में बुक की ज़रूरत होगी, जिसके कारण जो है ए सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों में लगभग बराबर किताबें बढ़ जाएँ। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि कम से कम कितनी बुकों की लाइब्रेरी में ज़रूरत पड़ेगी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में बराबर बराबर किताबें बढ़ जाएं। इसका मतलब ये है सेक्शन ए में 3-3 किताबें बढ़ जाएं हर बच्चे पे, सेक्शन बी में 2-2 किताबें बढ़ जाएं, इस तरीके से सेम ही सेक्शन के बच्चों को बराबर किताबें मिलनी चाहिए। अरे वाह, बच्चों का आंसर भी आ गया। तो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि सेक्शन के अंदर जितने भी बच्चे होंगे उनको बराबर किताबें मिलनी चाहिए, तो लाइब्रेरी के अंदर कम से कम कितनी किताबों की ज़रूरत होगी। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जहां मिनिमम वर्ड हो वहां समझ जाना ऑटोमेटिकली, एलसीएम पूछ रहा है।
बट इसे थोड़ा सा लॉजिक से समझ लेते हैं एक बार, दो बच्चों का आ भी गया है, क्योंकि लॉजिक आना ज़रूरी है बस। तो बेटा जैसे ए स्टूडेंट हमारा सेक्शन ए है, उसमें 6 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो बेटा इसमें कितने किताबों की ज़रूरत हो सकती है, 6 के मल्टीपल ले लो, 6 किताब भी हो जाए, लाइब्रेरी में काम बन जाएगा, हर बच्चे को एक एक किताब मिल जाएगी इस केस में। अगर 12 किताब हो जाएंगी लाइब्रेरी में, तो हर बच्चे को दो दो किताब मिल जाएंगी सेक्शन ए के बच्चों को। 18 किताब होंगी लाइब्रेरी में, तो हर बच्चे को बेटा तीन तीन किताबें मिल जाएंगी। 6 का मैं डिवाइड कर रहा हूँ बस, 24 में कितनी किताबें मिल जाएंगी हर बच्चे को, चार चार किताबें मिल जाएंगी। आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। यहाँ पाँच पाँच किताबें मिल जाएंगी सब बच्चों को, शाबाश। मैं बस लॉजिक समझा रहा हूँ, सबका आंसर आ गया है वैसे। ऐसी जो बी सेक्शन है उसमें बेटा 8 बच्चे हैं, तो कम से कम 8 किताबें तो चाहिए। इस केस में एक किताब मिल जाएगी हर बच्चे को बी सेक्शन में। फिर 16 आएगा मल्टीपल जो है 8 का, तो इसमें 2 किताबें मिलेंगी, इसमें 3 किताबें मिलेंगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कह रहा है कम से कम कितनी किताबें चाहिए होंगी ताकि बच्चों को बराबर मिल जाएं। तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन बेटा इस केस में क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर लाइब्रेरी में 24 किताबें होंगी, तो सेक्शन ए जो सेक्शन ए है उसकी हर बच्चे को कितनी किताबें मिल जाएंगी, 4 किताबें मिल जाएंगी। और सेक्शन जो बी है उस केस में बेटा बच्चों को कितनी किताबें मिल जाएंगी, तो जन्नत सी बात है 8 का 24 में डिवाइड कर दो, तो बेटा कितनी किताबें मिल जाएंगी, 3 किताबें मिल जाएंगी। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो मिनिमम किताबें कितनी है बेटा, 24 किताबें हैं, ठीक है। और अगर ए सेक्शन को बांटी जाए वो किताबें हर बच्चे को, तो 4 किताबें बटेंगी, और बी सेक्शन को बांटी जाए हर बच्चे को किताबें, तो 3 किताबें बटेंगी हर बच्चे में, ठीक है। लॉजिक समझना, क्योंकि कॉम्पिटिशन में लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। चलो तो बेटा आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो बेटा सेम ही क्वेश्चन है, मुझे बताओ इस बार कि बेटा सेक्शन ए है और सेक्शन बी है क्लास 10th का। उसमें सेक्शन ए में 30 स्टूडेंट हैं, सेक्शन बी में 28 स्टूडेंट हैं। आपको बेटा मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बतानी है क्लास लाइब्रेरी में, ठीक है, जिससे क्या हो, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में बच्चों को किताबें बराबर मिल जाएं, ठीक है। तो बेटा सभी बच्चे इसका आंसर बताएं आराम से। सेक्शन ए में 30 स्टूडेंट है, 30, सेक्शन बी में 28 स्टूडेंट हैं, और हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी में कम से कम किताबें हों ताकि जो सेक्शन में बच्चे हैं उन्हें बराबर किताबें मिल जाएं। तो सभी बच्चे आंसर बताएं क्या आना चाहिए। तो बहुत ही ईजी हो चुका है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन बेटा। चलिए दो बच्चों का आ गया, शाबाश। और बच्चे ही बताएं बेटा, सभी बच्चे बताएं, सभी को टॉप कर रहे हैं स्कूल, शाबाश। तो बेटा जो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स होंगी हम सभी जानते हैं क्या होगा, 30 और 28 का एलसीएम होगा। मैंग जी क्या समस्या हुई, 30 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दो 2, 3 और 5 में, 28 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दो 2 की पावर 2 × 7 में। एलसीएम क्या होता है बेटा हम सभी जानते हैं, सबसे बड़ी पावर हर नंबर में, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 है, 5 की 1, 7 की 1। तो टोटल लाइब्रेरी में बेटा कितनी किताबें चाहिए होंगी, 420 किताबें चाहिए होंगी बैंक जी, 410 नहीं 420 किताबें चाहिए होंगी। किसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा बेटा मैं यहीं से क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे कि चलिए 420 किताबें चाहिए, बहुत बढ़िया है। अब मुझे ये बताएं आप कि सेक्शन ए के बच्चे को कितनी किताबें मिलेंगी हर बच्चे को, और सेक्शन बी के हर बच्चे को कितनी किताबें मिलेंगी। टोटल किताब तो लाइब्रेरी में 420 हो गई, बहुत बढ़िया है। अब मुझे आप ये बताओ कि ए सेक्शन के हर बच्चे को कितनी किताबें मिलेंगी अगर बांटी जाएँ तो, और बी सेक्शन के हर बच्चे को कितनी किताबें मिलेंगी जब बांटी जाएँ तो। आंसर क्या होगा? अरे वाह शाबाश, बच्चे आंसर ही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बच्चे आंसर बताएं सभी।
अरे वाह, वृतान जी बता रहे हैं, मैडम बता रही हैं, और बच्चे बताएं। मैंग जी कितनी किताबें बटेंगी सेक्शन ए में? सेक्शन ए में बताएं टोटल किताबें लाइब्रेरी में 420 हैं। शाबाश, सेक्शन ए में बच्चे कितने हैं बेटा? 30 हैं, इसे से काट दो। शाबाश, ये 14 आएगा। सेक्शन बी बताओ। शाबाश मैडम का 15 आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से करें सभी बच्चे। तो 420 बटा 28 कर दीजिए बेटा, 7 से काट दो इसे 4 बार। इसे बेटा मेरे अंदाज से 6 बार जाएगा, इसे काट दो बेटा। ये कितनी बार जाना चाहिए? 15 बार जाना चाहिए। तो जो बी सेक्शन के जो बच्चे हैं उन्हें अगर किताब बांटी जाएंगी तो 15-15 किताब बढ़ जाएंगी सभी में। ए सेक्शन के बच्चों को किताबें बांटी जाएंगी तो 14 किताबें हर बच्चे को बढ़ जाएंगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, दिल खुश हो जाता है करके। आगे चलते हैं। तो बेटा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी? 420 मैंने लिख दिया है। अच्छा बेटा, कमेंट्स में आंसर, कमेंट्स में बताओ बेटा यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि अब हम नेक्स्ट टाइप के थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। कमेंट्स में बताएं बेटा यहाँ तक कोई भी समस्या हो, कमेंट्स में बताओ बेटा यहाँ तक कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की। चलिए मैडम कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे बताएं, वृतान जी, मैंग जी, शीतल जी, कोई भी समस्या हो? यस सर, चलिए कोई समस्या नहीं है। और बच्चे बताएं। अच्छा बेटा इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है? चलिए शाबाश, सभी को टॉप करना है बेटा। तो बेटा इसमें क्वेश्चन है हमारा क्या है, तो देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 और 1037, लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है बेटा, शाबाश, किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखो, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि एचसीएफ निकाल रहा है, लेकिन एक दिक्कत ये दे दी उसने कि लीविंग 5 रिमाइंडर इन ईच केस, यानी एक फिक्स्ड रिमाइंडर वो बता रहा है। अगर बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, ये बेटा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे आपको, और ये बोर्ड्स में भी आते हैं, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से करना। तो हमें लार्जेस्ट नंबर तो बताना है, यानी एचसीएफ बताना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, लेकिन हर केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए बेटा? 5 बचना चाहिए। तो बेटा इसमें हम करते क्या है जरा ध्यान से समझना। ये हमारे दोनों नंबर हैं, ठीक है, और रिमाइंडर कितना है बेटा? 5 है। तो बेटा हम क्या करेंगे, दोनों नंबरों में से सेम रिमाइंडर को माइनस करेंगे अगर इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए। तो बेटा हमारा कितना आएगा, 245 में से माइनस 5 कर दूंगा तो 240 आ जाएगा, और 1037 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1032 आ जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इसके बाद बेटा हम एचसीएफ निकालेंगे इनका। अब मुझे आंसर बता दो क्या आएगा। तो यहां तक समझ में आ गया, अगर कोई एक फिक्स्ड रिमाइंडर दे तो सबसे पहले आप उन दोनों नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करना, उसके बाद एचसीएफ निकालना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब मुझे आप इसका आंसर बताओ क्या आएगा। सभी बच्चे बताएं क्या आंसर होगा। चलिए वृतान जी बता रहे हैं, शाबाश। और बच्चे बताएं। याद रखना, जब सेम रिमाइंडर आए तो पहले नंबरों में से माइनस करें, ठीक है, यानी -5 -5 फिक्स रिमाइंडर आ रहा है, नंबरों में से माइनस कीजिएगा, उसके बाद उन नंबर्स का एचसीएफ निकाल दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 240 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं, यहाँ पे मैंने 1032 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है बेटा। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 2³ × 3 × 3³। तो हमारा आ गया आंसर 24। तो बेटा यही हमारा आंसर है।
ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो बस याद रखना कि जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछे और कोई एक रिमाइंडर फिक्स्ड बच रहा हो, जैसे 5, 6, 7 कुछ भी बच रहा हो, तो सबसे पहले आप रिमाइंडर को इन नंबर्स में से माइनस कर देना, उसके बाद बेटा एससीएफ निकाल देना। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो 24 है। तो बेटा चलो इसे बताओ जरा सा क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। इसमें पूछा क्या है कि लार्जेस्ट नंबर बताना है आपको जो 438 को और 606 को पूरा डिवाइड कर दे, यानी और एंड में रिमाइंडर कितना बचता है जब डिवाइड करते हैं, 6 बचता है। तो बेटा इसे सॉल्व करने की कोशिश करो और आंसर बताओ। सभी बच्चे बताएं कि आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आएगा सभी बच्चे बताएं बेटा। शाबाश, रतान जी बता रहे हैं। तो ये जो नंबर हैं, सबसे पहले आप इनमें से क्या माइनस करोगे, 6, 6 माइनस कर देंगे दोनों नंबर्स में से। तो बेटा एलसीएम थोड़ी निकालना था, एससीएफ निकालना था। शाबाश। तो लार्जेस्ट नंबर पूछा है, लार्जेस्ट नंबर क्या होता है बेटा, हम सभी जानते हैं एससीएफ निकालना होता है। आपको मैंने कल बताया था, सॉरी सैटरडे को बताया था। अब इनका आपको एससीएफ बताना है बस। तो एससीएफ किसका बताएंगे आप, 432 का और 600 का। तो सभी बच्चे आंसर बताएं क्या आएगा। चलिए 8 बता रहे हैं मयंक जी, और बच्चे बताएं। चलिए अभी चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ मैंने 432 का किया है प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ 600 का किया है। तो 2432 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। 600 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। एलसीएम बेटा हमारा क्या आएगा, सॉरी एससीएफ क्या आएगा बेटा, 2 की पावर 3 इंटू 3, यानी 24 आ जाएगा बेटा मेरा। तो चेक करो कहाँ गलती हो रही है, 6 कैसे आ रहा है बेटा। पहले सभी ने 6 को माइनस किया था, रिमाइंडर क्या था, 6 था, 6 सभी को सभी ने माइनस किया होगा। उसके बाद आपका 432 आएगा और 600 आएगा। इसके बाद बेटा इन नंबर्स का हमें एससीएफ निकालना होगा। किसी बच्चे कोई समस्या हो बेटा पूछो। जो भी फिक्स्ड रिमाइंडर होता है उसको पहले माइनस करते हैं, उसके बाद बेटा एससीएफ निकालते हैं। बेटा कोई समस्या हो पूछें कृपा करके। किसी बच्चे कोई समस्या हो पूछ लो। वितान जी ठीक है, मैडम बताएं, चंचल जी बताएं, चंचल जी क्यों कह रहा हूँ, शीतल जी बताएं, और बच्चे बताएं सभी, कोई समस्या हो तो पूछ लो। यानी हमारा जो रिक्वायर नंबर है वो 24 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, मैडम ने सही कर लिया। तो याद रखना पहले रिमाइंडर जो भी आ रहा है फिक्स्ड उसे माइनस करना है, उसके बाद एससीएफ निकालना है। लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है आपसे, ठीक है। अच्छा बेटा आगे, शाबाश मैडम का आ रहा है, शीतल जी का। बेटा इस बार हमारा रिमाइंडर डिफरेंट बसता है, इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं हम। तो बेटा क्वेश्चन में क्या बता रहा है,
कि लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है, ठीक है? जब हम उसका डिवाइड करते हैं 2934 में, तो रिमाइंडर बेटा हमारा 11 आता है, और जब हम 3254 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बेटा हमारा 15 आता है, ठीक है? इस बार हमारे डिफरेंट रिमाइंडर आ रहे हैं, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, सेम ही लॉजिक है, इस बार आपको 11 को इसमें से माइनस करना है, और जो 15 है उसको बेटा इसमें से माइनस करना है। इसके बाद आपको एचसीएफ निकाल देना है। तो बेटा 1 मिनट का टाइम है, बताओ क्या आएगा आंसर। जब डिफरेंट रिमाइंडर आते हैं तो बेटा जो आपका पहला रिमाइंडर है वो पहले नंबर से माइनस कर दो, और जो सेकंड रिमाइंडर है जिससे वो हमारा सेकंड नंबर से माइनस हो जाएगा, और उसके बाद बेटा आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो आंसर बताओ क्या आना चाहिए, सभी बच्चे बताएं। सभी बच्चे बताएं बेटा क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे बताएं क्या आंसर आना चाहिए, आराम से। किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लेना मुझसे। आराम से सभी बच्चे बताएं क्या आंसर आना चाहिए इसका। बेटा ये अजीब सा नंबर लग रहा है, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेना। अगर आपका एचसीएफ नहीं आ रहा है तो डिवीजन मेथड से कर लो। आराम से सभी बच्चे बताएं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले आप 2923 का 3239 में डिवाइड करना। जब 2923 का आप डिवाइड करोगे 3239 में तो 1 बार जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 316 आ जाएगा। इसके बाद जब आप 316 का 2923 में डिवाइड करोगे तो बेटा 9 बार जाना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे एंड में रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 79 आएगा। इसके बाद बेटा हम जब 79 का 316 में डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारा 4 बार जाएगा, और एंड में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है? और यानी हमारा जो एचसीएफ होगा वो बेटा कौन सा होगा, लास्ट डिवाइजर होगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 79 आ जाएगा। बेटा किसी भी बच्चे को कमेंट्स में कोई कोई दिक्कत हो कमेंट्स में पूछ लें बेटा। किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो पूछ लो। शाबाश, 79 मैडम का आ गया, बहुत बढ़िया। वृतान जी कोई दिक्कत नहीं है। मैंग जी कोई भी समस्या हो पूछ लेना बेटा। चलिए बढ़िया, तो एक काम करते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, कल से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप थोड़े गर्म हो गए होगे, तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। और कोई भी समस्या हो बेटा कमेंट्स में मुझे बता देना, ठीक है? और बेटा होमवर्क सभी करना, और कृपा करके मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर देना। चलो तो बेटा फिर आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, ठीक है? सभी को गुड इवनिंग बेटा, सॉरी गुड नाइट कह लीजिए। कहाँ है?